हाल चाल आप सभी के सामने देख सकते हो, अपनी गाड़ी खड़ी है और मैं लोडिंग करने आया हूँ चंडीगढ़ के लिए। और ये आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को अपने कागज़ पत्र के बारे में। ये देख सकते हैं सामने पड़ी अपनी फाइल। सो आपके बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज वीडियो ये होने वाली है कि आपके पास कौन कौन सी फाइल होने वाली है, कौन कौन सी फाइल होनी चाहिए, क्या क्या कागज़ होने चाहिए जिससे आपका चालान ना कटे। ये सब बातें आज मैं हैंडल करने वाला हूँ। आपकी गाड़ी के कागज़ कौन कौन से रहने चाहिए और आप बताइए कि मेरी गाड़ी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके। और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी की विशेष पूरी करें। सो सबसे पहले तो जय माता दी। एंड चलते हैं गाड़ी के अंदर और आप लोग को सभी डिटेल टू डिटेल में बताता हूँ कि भाई कौन कौन से कागज़ आपके पास होने बहुत ज़रूरी है ताकि आपका चालान ना कटे। सो भाई जिन भाइयों को नहीं पता है वो वीडियो पूरा देखें, जिन भाइयों को पता है वो वीडियो स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जो वॉच करना है तो पूरा करिए। और चलते हैं इस फाइल का राज खोलते हैं, कौन कौन सा कागज़ होना चाहिए सबको बताता हूँ आप सभी को। तो मैं गाड़ी के अंदर और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो आप मेरे चैनल पे नवे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिले, आपका भाई का चैनल ताकि ग्रो हो और मैं ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेशन वीडियोस और बनाऊं ताकि आप लोग का भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए और चलिए आप लोग को हर चीज़ बताता हूँ। और सामने देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए वो आंटी जी सूरज देव भगवान को मतलब कि वो कर रहे हैं, जल विसर्जन कर रही हैं। अपने फाइल को मैं करता हूँ ओपन, आप लोग को बताता हूँ कि जो आपके पास कोई भी पिकअप गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, चाहे आप ट्रक चला रहे हो तो कौन कौन से कागज रखना चाहिए। आप जो स्टेट में चला रहे हो, ओवल ओवर इंडिया में चला रहे हो, कहीं पे भी चला रहे हो, तो आप लोग को जो ये चीजें पता लगे ना तो शायद मेरे हिसाब से चालान नहीं कटेगा बिल्कुल, जो आपने ओवरलोड नहीं डाला, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसको पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बाकी वैसे तो आप लोग को पता है पुलिस जो अपने आई पे आ जाती है तो क्या क्या करती है हमारे साथ, और हम लोग सहते भी हैं। सो फिलहाल आप लोग को बताता हूँ कौन कौन से कागज होने चाहिए। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आप लोग एक लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अब, क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोग को मजा आने वाला है, एक एक चीज आप लोग को पता लग जाएगी कि गाड़ी कागज कौन से पूरे होने चाहिए। अपने फाइल करने ओपन, सो ओपन ही पड़ी अपनी फाइल और आप लोग को मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें मैं हाइड करूंगा। सो उसके लिए आप लोग नाराज मत होना। रीज़न क्या है हाइड करने का, रीज़न ये है कि भाई कुछ कुछ चीज़ें ना कि मैं सबको नहीं दिखा सकता, बट आप लोग को वो मैं बताने से पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। सो फाइल को ओपन करते हैं फिर दिखाता हूँ आप लोग को। सो फाइनली देख सकते हैं फाइल ओपन हो चुका है, जहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए RC, ठीक है। RC किस तरीके का दिखता है तो शायद मैं इस वीडियो को थोड़ा वलर करूँगा और आप लोग गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार की होती है RC, शायद आपको ना दिखे कुछ ज़्यादा खास, इस प्रकार की होती है RC जो कि आपके गाड़ी के कागज़ की RC होती है। ये RC का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है आपके नाम पर। सो उस टाइप उसकी उसके लिए RC होती है। और दूसरी चीज़ चाहिए आप लोगों को दोस्तों, अपने पास एक होता है परमिट, स्टेट परमिट मिलता है जो कि इस टाइप का दिखता है, देख सकते हो। और ये आपको मिलता है एजेंसी से जब आप वहाँ पे गाड़ी लेते हो या गाड़ी के कागज़ आप बाहर से करवाते हो, सो वहाँ पे आप लोग को मिलता है परमिट। परमिट का मतलब ये होता है कि आपको स्टेट परमिट मिलेगा कि आप स्टेट के अंदर गाड़ी चला सकते हो, कितने साल चला सकते हो, वो स्टेट परमिट होगा कि आपकी गाड़ी की लाइफ कितने तक है, वो परमिट मिलती है। एक हिसाब से सिंपल वर्ड में कहूँ तो मुझे 15 साल का परमिट मिला हुआ है, मैं 15 साल अपनी ये गाड़ी चला सकता हूँ। और उसके बाद शायद रीन्यू वाला सिस्टम होगा, कुछ आइडिया नहीं है, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई। और दूसरी चीज़ आप लोग को होनी चाहिए आपके पास भाई, ये PUC। PUC का मतलब होता है पोल्यूशन। और भाई ये पोल्यूशन जो चीज़ है ना भाई, दूसरी तो परमिट हो गया, तीसरी पोल्यूशन, अब पहला हो गई RC। पोल्यूशन इसलिए अपने को जरूरी है क्योंकि ये होता है ना कि सरकार ये आपसे पूछती है कि आपकी गाड़ी जो है पोल्यूशन तो नहीं ज़्यादा कर रही है। और बाकी एक सर्टिफिकेट जो बन के हमें मिलता है, ये आप कहीं से भी करवा सकते हो। मैंने ये करवाया था UP से, जो मुझे 120 रुपये में शायद लमसम एक साल का मिला था। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉस्टली है ही नहीं, आप करवा सकते हो और आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, चालान 5000 का चालान होता है इसका, जो आपने PUC नहीं करवा के रखा है, और जो आपने करवा लिया तो आपका चालान नहीं कटता है। तो चौथे पे आते हैं, चौथा क्या चीज़ होता है अपना खास। सो दोस्तों चौथा देख सकते हैं ये होता है अपने पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंश्योरेंस के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं और लॉस एक ही है कि बहुत महंगा होता है, अपने को भाई अफोर्ड नहीं कर पाते हम ड्राइवर भाई, इतना महंगा होता है ना भाई, इतना महंगा कि भाई मेरे गाड़ी का ये जो 1.3 गाड़ी है 26000 का इंश्योरेंस होता है। अब कई भाई बोलेंगे इतना कैसे, क्योंकि यार देखो जो आपने अपना जो गाड़ी की वैल्यू बढ़वाओगे ना,
आप कभी भी जाके जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये जरूर पूछा करो मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, और जो कागज मिलता है आपको तो उसमें से भी चेक किया करो कि भाई गाड़ी की आपकी वैल्यू मिल कितनी रही है, क्योंकि मेन होता है डिसीजन गाड़ी के वैल्यू के ऊपर। जो गाड़ी की वैल्यू कम रहेगी तो आपका इंश्योरेंस का रेट भी कम रहेगा। सो गाइस, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका क्लेम मिलना और पुलिस से चलान कटना। इंश्योरेंस का चलान मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट शायद 25,000 रुपये का है शायद, समथिंग मेरे को पता नहीं है भाई, नॉलेज नहीं है चलान के बारे में, फिर भी आइडिया है मेरे को जितना तक दोस्तों ने समझाया है बताया है, काफ़ी पुलिस ने जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, शायद गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, बट ये जो कागज़ वाला इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल राइट बता रहा हूँ। सो ये चौथा कागज है जो आपके पास इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों याद रखिएगा इंश्योरेंस रहे, और पाँचवा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो दोस्तों पांचवा मेरे पास है नहीं, एक्चुअली पांचवा होता है फिटनेस। अभी मेरी गाड़ी 2 साल पूरी नहीं हुई है, और 2 साल पूरी होने के बाद अपने को बनता है एक फिटनेस, जो कि आपका कैरी फिट मतलब कि वो आरटीओ की तरफ से कैरीफाइड होता है, जो ये कहे अप्रूवड होता है कि भाई ये गाड़ी अभी भी कंडीशन इसकी सही है 2 साल के बाद भी, और इसको हम 2 साल का चलने का और ज़्यादा 2 साल चला सकता है और टाइम देते हैं 2 साल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं चला सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पासिंग या फिटनेस, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप लोग। तो वो चीज़ मेरे पास अभी नहीं है, सो ऑनलाइन वो चेक हो जाती है। और आप लोग को एक और बात करनी है आप लोगों से, जो आप लोगों को ये सीखना है जानना है कि भाई ऑनलाइन अपने चलान कैसे देखें, ऑनलाइन अपने गाड़ी की डिटेल वगैरह कैसे निकालें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही एप्लीकेशन है आप लोग को मैं बता दूंगा जो आप लोग चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो, ये 5 आप लोग को बता दिया। और 6वीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो कि आपकी पर्सनल है, आप चाहे पिकअप चलाएं या कार चलाएं तो वो होनी चाहिए, उसको हम लोग कह सकते हैं लाइसेंस। और लाइसेंस आपके पास होना जरूर है, जो कि इस प्रकार का दिखता है। सो कुछ ब्लर होगा ये, तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इस प्रकार का होता है। सो लाइसेंस आप लोग के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लाइसेंस से क्या है कि आपको ये सरकार को पता लगता है कि आप गाड़ी चलाने के योग हो, तो इसलिए आप लोग के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो 6 चीज़ें जो कि मैंने बताया है, और 7वीं चीज़ ये है, जो आपके पास गाड़ी 1.7 है, जो 3 टन से ज़्यादा है आपकी गाड़ी, तो आपको परमिट बहुत ज़रूरी है। तो परमिट भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी है 3,000 किलो से नीचे की है, तो इसलिए परमिट इसकी नहीं है। सो आप लोग अपनी गाड़ी के कागज देखिए क्या आप लोग के पूरे हैं, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग, इन्फॉर्मेशन ये वीडियो की कैसी लगी आप लोग वो बता दीजिएगा। शायद आपका भाई जो समझाना चाहता होगा समझा सका होगा शायद आपको, क्योंकि यार भाई आपके भाई को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितनी नॉलेज है ना मैं वो सोचता हूँ कि आपके पास शेयर हो। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उन लोग को ये सब चीज़ समझ आए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और कौन सी चीज़ जो आप लोग को नहीं पता थी वो मैंने बताई है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और जिस भाई को पहले से पता है कि भाई ये सब कागज़ तो हमारे पास होने ही चाहिए, वो भाई भी कमेंट कर दें कि भाई सूरज भाई तो आप आज बता रहे हो, मुझे बहुत दिन पहले से पता है, क्योंकि बहुत भाइयों को ये सब चीज़ें पहले से पता होती हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोग को, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और आप लोग को जो एप्लीकेशन के बारे में जानना है कि कौन से एप्लीकेशन से हम लोग अपना चलान चेक कर सकते हैं, जो ईवे चलान होता है, और बहुत सी चीज़ें और भी है गाड़ी कागज़ पत्तर, और गाड़ी की हमारी पासिंग इंश्योरेंस जो चीज़ भी ख़त्म होने वाली है उस पर पूरी डिटेल मिलती है। जो ये सब चीज़ आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, बंदे मातरम, जय श्री राम, लव यू गाइज़।